चीजें होंगी बेटे जिन्हें हमें डिस्कस करना होगा, जैसे ये हिस्टोरिकल चेंजेस, फाइनल गुड्स, प्राइमरी गुड्स, ठीक है, सेक्टर्स, तीनों सेक्टर के एग्जाम्पल्स, कौन सा एग्जाम्पल किस सेक्टर में आएगा। हाँ, जैसे मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि जो पोर्टर्स है, पोर्टर्स मतलब जो आई थिंक उसके पूछने का मतलब था जो चाक बनाने वाला बंदा है, वो क्या है, वो किस सेक्टर में कंटिन्यू आएगा, शायद 10th H के स्वामिक ने पूछा था। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि देखो, जब वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, बेसिकली वो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्शन ही है, तो उसे हम लोग बेटा प्राइमरी सेक्टर में ही कंसिडर करेंगे। लेकिन लेकिन बेटे वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विसेज उसकी उस लेवल की काउंटेबल नहीं है, बेसिकली हम उसके प्रोडक्शन से ही है, तो वो प्राइमरी सेक्टर पे ही कंसिडर किया जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट वो होगा, ठीक है। वो सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं कह सकते, लेकिन अब ये कहें कि एक कंट्राडिक्ट का क्वेश्चन तो है ही है, जस्ट लाइक आप कहते हैं कि ये कॉटेज लेवल की इंडस्ट्री ही है सर, भाई मिट्टी के बर्तन बनाना कॉटेज लेवल की इंडस्ट्री ही है, तो मे बी पॉसिबल इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के में लोग कंसिडर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है, लेकिन हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कंसिडर किया जाता है। तो ये कंट्रोवर्सीज के क्वेश्चंस कुछ आते हैं जिन्हें क्लासिफाई, मैंने पहले बता रखा था बेटा कि ये क्लासिफिकेशन इस बेस पे नहीं किया जा सकता कि इधर किया हुआ उधर ना जाए। बहुत ढेर सारी सर्विसेज हैं जो कॉमन है, जिन्हें प्राइमरी सेक्टर में भी कंसिडर किया जा सकता है और सेकेंडरी सेक्टर में भी कंसिडर किया जा सकता है या टर्शियरी सेक्टर में भी कंसिडर किया जा सकता है। कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट का कॉमन चीजें हैं हमारी विच कैन बी कंसिडर इन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स कॉमनली। इसके बाद इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी बच्चों वो भी हमें पढ़ना है, जैसे व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो की टॉपिक यही था कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल चेंजेस इन आवर सेक्टर्स। तो हिस्टोरिकल चेंजेस में अब आप आंसर अपने अपने लेवल का पढ़ सकते हैं, छोटा आंसर लिखना चाहते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं या कम पढ़ के लिखना चाहते हैं, तो आप यही बताएंगे कि प्राइमरी सेक्टर से लगातार कॉन्टिकेट हुआ और सेकेंडरी सेक्टर लगातार इंक्रीज हुआ, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर लगातार इंक्रीज हुआ, और फाइनल डेटा बता सकते हैं कि पहले इतना था अब इतना था। अगर आप अपने आंसर को बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में भी दिखा सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार कैसे 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 किसके टेन्योर में कितना कितना घटा, एंड सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे कैसे किस किस ईयर में कितना कितना पार्ट बढ़ा। इसके बाद बच्चों देखा जाए तो हम आपको बता दें बच्चों, हम लोगों का प्राइमरी सेक्टर में जिस रेशियो में बेटे एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर का जिस रेशियो में कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी घटा है, उस हिसाब से पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन नहीं घटा है, और यही रीजन है कि इंडिया एक डेवलप कंट्रीज नहीं बन रहा है, क्योंकि बेटे इंडिया में जहां कम मनी आती है, जहां से कम कंट्रीब्यूशन है, वहां ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्राइमरी सेक्टर में लगभग 50-60% पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन आज भी एंगेज है, जबकि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% में आ चुका है। जबकि अमेरिका की बात करें बेटा, तो अमेरिका में केवल प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1% ही है, और वहाँ मुश्किल से 2% या 3% लोग मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर में निगेज है। तो वहाँ पर तो ठीक है, जिस रेशियो से इनकम उसी रेशियो से इंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक, इसी वजह से वो डेवलप्ड कंट्रीज है। लेकिन इंडिया में बच्चों प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक विशेष प्रकार का हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉपर्टीज जो है, जिस डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में बेटे बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले बेटे, फैमिली में 10 लोग हैं और 10 लोग मतलब एकड़ जमीन है, 2-4 बीघे मान लेते हैं जमीन, और उसमें पूरी 10 लोगों की फैमिली इंगेज रहती है और सब लोग अपने आप को एम्प्लॉयड समझते हैं, जबकि बेटे 10 लोगों में से अगर 5 लोगों को हम हटा लें उससे, तो प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके देखा जाए तो 5 लोग तो एक्स्ट्रा वहाँ इंगेज है, तो वो जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड दिखते हैं है नहीं, बट वो जो एक्स्ट्रा 5 लोग एम्प्लॉयड दिखते हैं जो अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड कहते हैं या डिस्गाइज्ड, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बस आज का वीडियो इसी पर कंसर्न है, इसी पर फोकस है, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। बाकी के डेटा, बाकी के पार्ट को हम आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।